एक जमाना था सौरव गांगुली का वो जमाना जो था वो हमारा तो एकदम फेवरेट था क्रिकेट में। हाँ, भी। थे, हाँ, भी। एक हम जानते थे फोन करके बात कर सकते थे जॉन राइट ऐसा क्या कर रहे थे कि वहां से इंडियन क्रिकेट इतना बदल गया सिंपल चीज वो जब आए थे तब उन्होंने पहले पढ़ी थी मिहिर बोस की बहुत मोटी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट उसने बड़ी थी आ, नहीं नहीं पढ़ा करना शुरू किया था उसने हाँ अच्छा। और फिर उन्हें बंद कर दिया बहुत मोटी किताब है नहीं पढ़ सकता <laughs> तो आए थे और उनका जो मैन man मैनेजमेंट बहुत ही टॉप टॉप क्वालिटी का मैनेजमेंट और अगर इस कमरे में आके वो विद इन फाइव मिनट्स आप सबको अपना दोस्त बना लेंगे लाइक दिस हाँ तो वो था एट द सेम टाइम वो बहुत कंपेटिटिव थे Uh, और सौरभ और उनका बहुत झगड़ा होता था एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड बट वो एक दूसरे वो, वो ये नहीं थे कि मैं आपसे अच्छा हूँ वो ये जान और वो ऑलवेज कहते हैं कि जो सबसे अच्छा कोच है उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए वेरी गुड प्लेयर्स एंड लक वो होता है ही डिन टेक हिमसेल्फ वेरी सीरियसली और उसने यही बहुत सिंपल चीज़ें की फिटनेस फिटनेस बहुत सिंपल सी चीज़ है अच्छा एक बार वो जब आए थे उन्होंने बहुत मज़ेदार चीज़ कही थी इससे मैं आया था पहले पहला उनका जो नेट सेशन हुआ था फिरोशा कोटला में, में जिम्बाब्वे के पास साथ इसे मैं देख रहा हूँ कुर्सियाँ बिस्किट

से कोच बुलाओ लेकिन जॉन के बाद ग्रेग ग्रेग चैपल चैपल आए <laughs> ये कहते पहले कोच होते तो दूसरा कभी नहीं होता आ, वो वो नहीं अच्छा होता हुआ। 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 तभी हमने वो तो हिंदुस्तानी हो गया उसका मतलब क्या है आप अपने हो हिंदुस्तानी हो गया क्या हुआ खाना पसंद था उसको हिंदुस्तानी खाना हाँ लेकिन बट वो एक्सटेंड नहीं किया पाँच साल वो करना चाहते थे नहीं करना चाहते थे पाकिस्तान वो कहते मुझे पाकिस्तान के बाद ही टू जब हम जीते पाकिस्तान में तो उसके बाद ही मुझे जाना चाहिए था लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार और हरा दें ऑस्ट्रेलिया को टू 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 सीरीज इन रोज किसी ने किया नहीं है तो वो करना चाहते थे एक्सटेंड बट कोच और कैप्टन का चार पांच साल का इज द परफेक्ट टर्न उससे उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि खराब ही हो जाएगा